हो जी, वो तो रवि सिंह जी और सम्मान पत्र रवि डोगरा जी और सम्मानित जितने भी हमारे सांस्कृतिक सामाजिक संगठन वाले सभी के अध्यक्ष, सभी प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बेटी बेटे भाई बहन, आप सभी जानते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस का 71वां दिन है और हम बड़े हर्षोल्लास से इसको मना रहे हैं, लेकिन अधिकतर ये नहीं जानते क्योंकि मनाने सब भूल जाते हैं कि कितने हमारे बुजुर्गों को एक कुर्बानी देनी पड़ी होगी जिनकी वजह से हम आज ये दिन मना रहे हैं। और आज भी हमारे सैनिक आज भी सेना में शहीद हो रहे हैं जिनकी वजह से हम आज सुरक्षित अपने घरों में आराम कहा की तरह सोते हैं, लेकिन हमारे नेतागण सभी क्षेत्र की जनता उनको भूल जाती है और साल में दो ही दिन ऐसे आते हैं जो हम उनको याद रखते हैं। आज मैंने एक परंपरा से हटके पुराने परंपरा को तोड़ते हुए अपनी पूज्य माताएं जो हमारे शहीद सैनिक हैं उनकी माताओं से और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी उनके परिवारों से ध्वजारोहण कराया, मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। और आज मैं आपको कुछ जसपुर के बारे में बताना चाहता हूं क्योंकि जसपुर में आज से पहले बहुत बार ध्वजारोहण हुआ, लेकिन मेरा पहला भाषण है, अगर कोई गलती हो तो क्षमा करना। भाइयों, हमारे एक नेता केवल अपना नाम लिखाने के लिए मुझे बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को कभी याद किया? क्या उन्होंने हमारे शहीद माताओं को याद किया? क्या उनके नाम से कभी कोई गेट बना? मैं यहां घोषणा करना चाहता हूं कि एक नगर पालिका ने वादा किया है अगर उन्होंने नहीं बनाया तो मैं दोनों शहीदों के नाम पे यहां गेट बनवाऊंगा। लेकिन क्या है, व्यक्तिगत हर व्यक्ति अपने नाम के लिए सोच रहा है, लेकिन मैं सोचता हूं जो हमारे लिए शहीद हो गए उन माताओं से पूछिए जिन्होंने अपने लाल खो दिए कि उनको कितना दर्द हुआ होगा, और हमने केवल उनका नाम जीवित रखने तक का मात्र यह नहीं सोचा कि उनके नाम से कोई गेट या द्वार बनवा दिया जाए। कोई अपनी जेब से नहीं बनवाता, सरकार के पैसे से बनवाना होता है, केवल इच्छा शक्ति की कमी है। मुझ में वो इच्छा शक्ति है, मैंने वादा किया है कि मैं उन दोनों का गेट बनवाऊंगा। और हमारे जहां पे आज हमने ध्वजारोहण किया है ये सबसे पहले स्थापना एक लोकमान सिंह त्यागी के नाम से जाने जाते हैं, ये तो वो चौहान लेकिन उन्हें लोकमान सिंह त्यागी कहते हैं। मैंने उनके नाम पे एक लेन बसेरा जो अस्पताल में बेकार पड़ा था, लोगों का कब्जा था, उसको खाली कराकर उनके नाम से मैंने उसका लोकमान सिंह त्यागी लेन बसेरा नाम रखा है। मैं चाहता हूँ अपने बच्चों से भी बताना चाहता हूँ कि अपने लिए हर कोई जीता है लेकिन समाज के लिए जीना सीखो, तभी इस देश का भला हो सकता है। बनाया गया है जिससे कि हम समाज के लिए कुछ काम कर सकते। मुझे चार बार हुए हैं आपकी आशाओं पर मैं खड़ा होकर सकूं, आपने मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं विधायक बनूं, लेकिन मैं विधायक बनकर नहीं, मैं सेवक बनकर आपके साथ काम कर रहा हूं। चार माह में जो मेरे द्वारा काम किए गए मैं आपको उसका वर्णन बताना चाहता हूं, वैसे पत्र बढ़वा दिए गए लोगों के द्वारा, क्योंकि सबसे पहले विधानसभा में जब मुझे जाने का मौका मिला तो मुझे लगता था क्योंकि मैं किसान परिवार से हूँ कि किसानों की कोई समस्या रखने वाला नहीं। मैंने वहाँ विधानसभा में सबसे पहले क्वेश्चन कहा अपने अध्यक्ष जी से, जो विधानसभा अध्यक्ष है, मैंने कहा साहब आप ये कहते हो कि मैं तो मतलब किसान हूँ, लेकिन आपने किसानों के बारे में सोचा? किसान को अगर किसान की फसल का मूल्य उसके समय पर मिल जाए तो वो कर्जे में नहीं डूबेगा। जो हमारे किसान आज आत्महत्या करने में मजबूर है, कभी आत्महत्या नहीं करेंगे, उनको एक एक साल बाद छः छः महीने बाद उनको पैसा मिलता है, लेकिन उनको या तो पैसा समय पर मिले और किसी वजह से नहीं दे पाती सरकार तो उस पर उसको ब्याज मिले जिससे कि वो कर्ज में ना डूबे। पैसा तो नहीं है, तो मैंने गड्ढों को भर सकते हो, तो आपने देखा होगा कि अधिकतर
जसपुर शहर के लोगों की एक समस्या रोडवेज बस स्टैंड के लिए चुनाव में भी वादे किए थे, लेकिन मैं प्रयास और ऊंचे स्थायी रोडवेज आपको अभी तक नहीं दिला पाया, लेकिन आपके सहयोग से एक 50 साल यहाँ पहले से बना हुआ था जो जर्जर हालत में था, वहाँ यहाँ तो शराब की शराब पीते थे या जुआरी जुआ खेलते थे, मैंने उसको सफाई करा के नगर पालिका से उसकी पुताई कराई और रोडवेज वालों से उसको वहाँ रोडवेज स्थापना कराई, अस्थायी रोडवेज का स्टैंड बना, 3 बसें आज यहाँ से संचालित है और बाकी जितनी बसें यहाँ से गुजरेंगी वो सब वहाँ रुक जाती है। आज हमारे यात्रियों को जो सड़क में बरसात में खड़ा होना पड़ता था या धूप में बाहर खड़ा होना पड़ता था, आज वो वहाँ जाकर बैठ के आराम से बस का इंतजार कर सकते हैं। ये मैंने प्रयास किया है और मेरा प्रयास जारी है कि मैं अपने कार्यकाल में आपको वादा करता हूँ कि स्थायी रोडवेज दे सकूँ, लेकिन आपका सहयोग मुझे जरूरी है। क्योंकि वहाँ जगह की कमी है, मैंने नगर पालिका से कहा है कि वो स्कूल की तरफ एक टीन सेट बनाए, वो प्रस्तावित है, वो आश्वासन दिया है कि वो उसको जो टीन सेट को बनाएंगे जिससे कि वो यात्री भी बैठ सके। जसपुर क्षेत्र में मात्र एक मुस्लिम कॉलेज है इंटर कॉलेज, उसको मैंने 5 लाख रुपए दिए, केवल एक फैजियाम इंटर कॉलेज, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कि मुस्लिम को दिए तो हिंदू को नहीं दिए, एक सरस्वती प्राइमरी स्कूल है मोहम्मद आदर में तो मैंने 5 लाख उसको भी दिए। ना तो मन भेद से काम कर रहा ना मन भेद से, मैं इच्छा शक्ति है वो सब आपकी दी हुई, और मैंने बहुत योजना है इसमें, लगभग 5,800 कुछ मीटर सड़कों के लिए मैंने प्रस्ताव सरकार को भेज दिए, मैंने प्रधानमंत्री सड़क योजना जो 2 निर्मित है प्रस्तावित है बनने जा रही है, और स्टेट योजना जिला योजना में बहुत सड़कों का भेजा है, लेकिन आप जानते हैं कि सरकार दूसरे दल की है, लेकिन मेरा प्रयास उनमें भी है क्योंकि उन मंत्रियों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है कि मैं प्रयास करूंगा कि उनसे पैसा लाकर आपके लिए सड़कें प्रदान कर सकूं। लगभग हमारे अति भाई जी 67 करोड़ के प्रोजेक्ट है जो प्रस्ताव मैंने भेजे हैं, लेकिन देखो सरकार कितना पैसा देती है, मेरा प्रयास होगा कि मैं अधिक से अधिक आपको वो सड़कें दे सकूँ। एक बार ऐसे भवन की यहाँ बहुत दिनों से मांग थी, लेकिन हमारे जो अध्यक्ष शायद यहाँ होंगे उन्होंने मुझे एक लेटर दिया 5 लाख, मैंने उनको भी दिए बाल भवन बकेटों में बैठने के लिए, संतान भाग के हमारे अध्यक्ष है दर्शन दयाल जी ये बोले लखनऊ नदी से काट रही है हमारे संतान घाट को, मैंने सबसे पहला लेटर 5 लाख रुपए इसके कहने पर था, मैंने कहा उसकी मीटिंग होनी चाहिए नगर पालिका को दी, और आज मुझे अभी पता चला कि अब उसका नाम संतान घाट नहीं मोक्ष द्वार है, मोक्ष धाम है, और नगर पालिका के सहयोग से बहुत योजनाएं समरसेबल की है, ये बहुत सी योजनाएं चल रही है, मंदिरों के निर्माण के लिए भी मैं और पैसे एक बता रहे हैं कि देने वाला हूँ, दिया चमुंडा मंदिर था उसको भी मैंने पैसा दिया भरपूर, लेकिन वो मेरा पैसा नहीं है वो जनता का पैसा है, विधायक निधि किसी की नहीं होती, विधायक निधि जनता की है, जनता के पैसे की है, मैं जनता को दे रहा हूँ, वो किसी पैसा नहीं कर रहा, केवल क्या है उसको बस व्यवस्थित कर रहा हूँ, मैं ये भी नहीं चाह रहा एक सुलभ शौचालय जसपुर के क्षेत्र की जनता की मांग थी जो आज तक नहीं बना, 16 साल हो गए देश को प्रदेश को बने हुए, लेकिन मैं आपके बीच में अगर आप जाते होंगे तो वो देखो में निर्माणधीन है, वो भी मेरी इच्छा शक्ति की वजह है जो मैंने उसका निर्माण शुरू कराया, 3 लाख दे चुका हूँ और उसको और देने का वादा है, जो भी कम पड़ेगा 40 समर सेविल आज से पहले शहर में कहीं नहीं लगे, आज 40 समर सेविल नगर पालिका के सहयोग से उसमें लग रहे हैं, 10 से 12 वाटर कूलर यहाँ लग चुके हैं, लेकिन वाटर कूलर से मुझे याद आया कि 2 बच्चों ने हमारे यहाँ प्रोग्राम किया है, एक GGIC के बच्चों ने, मैं एक वाटर कूलर उनको अपनी विधायक निधि से लगवाऊंगा, और एक उनके बच्चों को भी एक वाटर कूलर लगवाऊंगा, लेकिन जो प्यारे बच्चे घर में बैठे एक वाटर कूलर तुम्हारे लिए भी लगवाऊंगा तुम्हारे आने के लिए, ठीक है बेटा, और कुछ चाहिए बता अपने कहते हुए आपको बहुत स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं, लेकिन जैसे इस त्योहार को हम सब हिंदू मुस्लिम सिख मिलकर एक साथ मनाते हैं, मैं चाहता हूँ कि सारे त्योहार इसी तरह मिलकर मनाए जाए, ना उसमें कोई पार्टी हो, ना कोई जाति हो, ना कोई उसमें धर्म हो, तो मैं समझता हूँ कि जसपुर में एक मिसाल कायम होगी, जैसा कि हमारे पहले त्योहारों में होता रहा है, होली हमने मिलकर मनाई, ईद हमने मिलकर मनाई, आज स्वतंत्रता दिवस हम मिलकर मना रहे हैं, कोई धर्म कोई जाति नहीं, सब जानते हैं कि हम हिंदू के मतलब भारतीय हैं, मैं सबसे प्यार से कहना चाहता हूँ आप मुझे अपना प्यार अपना सहयोग देते रहिए।